सर दिख रहा ओके है। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे ये ग्रामर वगैरह के आपके नोट्स इनफ है या हमें कोई बुक्स भी परचेज नहीं, करके, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको कुछ नहीं लेना है, कुछ भी बिकॉज वो नहीं लेना। लैंग्वेज भी थोड़ी हिंदी या इंग्लिश तो नहीं है ना, वो थोड़ी उर्दू टाइप में पोएटिक है तो वो समझ नहीं भी नहीं नहीं। नहीं कुछ नहीं लेना आपको, कुछ ओके ठीक भी नहीं लेना, है क्योंकि अगर बुक लेंगे तो फिर कोर्स का फायदा क्या। क्योंकि जी, ठीक है सर। जितनी भी आप किताबों की बात करेंगे, मेरी कोशिश यही है कि जो उसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सब मैं कोर्स में मैंने सम्मिलित की हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी एक चार्ट के समझने के लिए चीजें जरूरी होती हैं, वो मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ पे रखूँ। जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना ठीक मैंने है कोशिश किया है, पेंडिंग कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मेन वही चीज है, पेंडिंग कर्मा निकालना, पेंडिंग कर्मा को डिकोड करना, समझना। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप करूं और बहुत इजी वे में करूं। और कहीं पर भी आपको मैंने कोशिश ऐसे की है कि जब मैं प्रेजेंटेशन भी दिखाऊं आपको, तो प्रेजेंटेशन भी ऐसी हो कि उसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इसमें आप मेरी बहुत मेहनत देखोगे, हर हर स्लाइड में, हर क्लास में आप देखोगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें सिर्फ आप चीजें पढ़ रहे हो। आपको बेसिकली जैसे ही एक नजर मारोगे तो आपको एकदम से सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि हर चीज में एक प्रेजेंटेशन में बनाकर उसके अंदर बहुत सारी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाऊं, उसको ग्राफिकल बनाऊं, तो आपको समझ में आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, 12 घर होते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहले 6 घर डिस्कस करें और बाकी के 6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा रिवाइज करने के लिए, पहली वाली क्लास को भी पढ़ लीजिएगा, और आज का जो बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा उसको एक बार और रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाकी के 6 क्लास हम बाद में करेंगे। मतलब जो 6 रह जाएंगे, 6 घर, उनका बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब फर्स्ट हाउस की हम जब बात करते हैं, तो ये सब स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जितना भी मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया हुआ है ये सब आपके पास है, बस रश्मि जी के पास नहीं है, तो उनको वो मिल जाएगा, बाकी ये सब आपके पास है। अब हम जब फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो फर्स्ट हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमको पता है कि वहां पे जो जमीन है वो मंगल की है, क्योंकि वो एरीज राशि वहां पे होती है, मेष राशि वहां पे होती है, तो इसलिए वो मंगल की जमीन है। और यहां पर अब मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ की इस घर का जो मालिक है वो मंगल है, यानी वो इसकी जमीन है। और यहाँ पे जो पक्का घर होता है वो सूर्य को पक्का घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होता है। सबको पता है कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो अब ये मंगल की जमीन है, सूर्य का पक्का घर है। फर्स्ट हाउस हमारे जीवन के शुरुआती पहले से 8 साल डिनोट करता है, मतलब एक एक जातक के, एक जब बच्चा होता है तो उसके पहले से 8 साल तक के जो साल है ना, वो पहले घर को डिनोट करता है। और ये ईस्ट, लाल किताब वास्तु में ये ईस्ट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ये उसको डिनोट करता है। पहला घर जो होता है ये थ्रोन को दिखाता है, हैसियत बोलते हैं तो उसको दिखाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे शरीर में ये फोरहेड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इनकम को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे लोग कहते हैं ना 11th हाउस, ऐसे फर्स्ट हाउस भी जो है हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य का की पक्की जमीन होना और मंगल की, ये मतलब सूर्य का पक्का घर है, मंगल की पक्की जमीन है। एक छोटा सा साइड ट्रैक करके एक मैं एक चीज बताता हूं, अगर पहले घर में अगर मंगल है, सपोज करो, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक बता रहा हूं और वो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, मगर हम हर टॉपिक को फुल ब्लोन आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल ये बताता हूं, आपने देखा हो तो मैंने ऊपर लिख रखा है फर्स्ट हाउस
एक लिख रखा है मैंने मसनूई मंगल यानी मार्स नेक, और एक लिख रखा है मसनूई मंगल बद, और वो लिख रखा है मैंने सूर्य और बुध तो होते हैं नेक मंगल, और सूर्य और शनि होते हैं बद मंगल यानी मंगल बद। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर किसी की कुंडली में पहले घर में मंगल है तो उसमें सूर्य और बुध छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सूर्य बुध मिलकर ये दोनों प्लैनेट छुपे हुए हैं तो सूर्य और शनि भी छुपे होंगे, करेक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि उस जातक की कुंडली में उसको कौन सा प्लैनेट खराब कर रहा है, किससे उसको मुश्किल आ रही है, कौन से रिलेटिव से उसकी नहीं बन रही है, या उसके जीवन में किस चीज की कमी है, किस चीज में उसकी स्ट्रगल ज्यादा है, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका मंगल बद है या, और मंगल बद पे तो हमारी पूरी क्लास ही है। तो मैं सिर्फ मसनूई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर पहले घर में किसी की कुंडली में मंगल है तो वहां पर या तो सूर्य बुध दोनों छुपे हुए होंगे या सूर्य और सैटर्न छुपे हुए होंगे वहां पे। तो अगर मंगल यानी किसी जातक की उसके अपने भाइयों से नहीं बन रही है या प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिलेगा कि वहां पे सूर्य और शनि छुपा हुआ है, ना कि सूर्य और बुध। अगर वही जातक किसी ऐसी प्रोफेशन में जैसे पुलिस में, आर्मी में, ठीक है, या किस फायर डिपार्टमेंट में है, ठीक है, या बोले इस केमिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके के जी हाँ मैं रश्मि बोल रही हूँ। सर एक्चुअली मैं देख रही थी मेरी कुंडली में ही मार्स है फर्स्ट हाउस में, तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हाँ मार्स एंड गुरु है फर्स्ट हाउस में, सो आई ऑलवेज थिंक दैट इट्स नॉट गुड, बट द वे आप बता रहे हैं तो मैं वही सोच रही थी कि अगर प्रॉपर्टी मैटर्स का इशू है तो सन एंड सैटर्न आप बोल रहे हैं, नहीं तो सन एंड मर्क्यूरी, राइट। अगर मंगल के कारकत्व सपोज करिए कि मंगल के कारकत्व क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मंगल के कारकत्व क्या होते हैं, जैसे या तो वो शो करता है ब्रदर को या करता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, या शो करता है हमारे शरीर में ब्लड रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, या रियल लाइफ में जो ब्लड रिलेटिव होते हैं हमारे, तो एक तो होते हैं हमारे ब्रदर ही होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है मंगल, हमारा पराक्रम होता है, हमारा वेलर है। अगर मान लीजिए हमको स्टेज फ्राइट है, हमको स्टेज पे जाने में पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, अगर हमको किसी चीज का डर है, हमको अननोन फियर है, और हमको यानी कि फियर तो फिर भी चलो अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि मंगल इज कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत हद तक ये मंगल नेक ना होके ये मंगल बद होगा, और वहां पे सूर्य और शनि छुपे हुए होंगे। अब सूर्य और शनि छुपे होंगे इसका मतलब क्या है कि सूर्य है तो उसको वहीं पे हम समझ रहे हैं कि वो अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया हो सकता है वहां पे वो, अगर उस जातक के पिता से संबंध अच्छे हैं, गवर्नमेंट से उसके जो भी वो काम करते हैं या उनकी जॉब है या कोई भी टेंडर आता है उनको मिलता है या उनकी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है, तो हमको क्लू मिलेगा कि इनके गवर्नमेंट यानी इनका सूर्य अच्छा है। अब बात रह गई शनि की, तो शनि बेसिकली पहले घर में डेबिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे शनि का उपाय करना होगा। और वैसे भी मैंने बताया कि जब हम मसनूई प्लैनेट को और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एक एक प्लैनेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, किस प्लैनेट में कौन सी किसकी एनर्जी छुपी हुई है, तो हमें किसकी रेमेडी करनी चाहिए। तो अगर ये मंगल नेक होगा रश्मि जी, तो ये होगा सूर्य और बुध का रूप। और पहले घर में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो कई किताबें, सब में तो नहीं है, वैदिक ज्योतिष में तो पहले घर में मंगल को मांगलिक बोला जाता है, और लेकिन वो अगर किसी और राशि के साथ है, जैसे मेरा मंगल गुरु के साथ है जी, तो वो शायद उसका भी इफेक्ट होता होगा ना, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, अगर कहा जाए कि भाई मंगल बुध के साथ बैठा है, सॉरी जुपिटर के साथ है, या जुपिटर मंगल को देख रहा है, ठीक है, तो ये आ जाता है कि कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। एक बात होती है कि कैंसिलेशन एक ऑटोमेटिकली परिहार मतलब बताया कि भाई ये दिख रहा है परिहार, मगर ये जातक को खुद ही पता होगा कि क्या परिहार, भगवान ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है, क्या वो परिहार वाकई में हो रहा है या नहीं। तो अगर वो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कोई घर या कोई ग्रह खराब हो रहा होगा, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, है ना। या।
सर जैसे ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे इनका बैठा है मार्स एंड जुपिटर, और आपने कहा कि मार्स अगर नेक है या बद है, सन मर्करी है, सन सैटर्न है, बट उनका जुपिटर भी है, तो ये तीन प्लैनेट्स का तो फिर हो गया ना कंजंक्शन? करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल हो गया। तो सर जैसे अगर इनका सन अच्छा है और सैटर्न में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ऐसे फर्स्ट हाउस में, तो फिर इनको रेमेडी सिर्फ सैटर्न की करानी पड़ेगी, बाकी मतलब हम जुपिटर के साथ कंजंक्शन को देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखिए रेमेडी उस चीज की करनी चाहिए, आइडली उस चीज की करनी चाहिए जिस चीज की जातक को प्रॉब्लम आ रही हो। अब हो सकता है कि यही कॉम्बिनेशन और लोगों के चार्ट में हो, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे दो जातक हैं, कोई ले लेते हैं और यही कॉम्बिनेशन है पहले घर में, मंगल और बृहस्पति वाला, तो ऐसे हम कर लेते हैं, चलो तीन जातक कर लेते हैं। तो एक जातक बोल सकता है कि सर मुझे मेरे भाई से नहीं बनती है और इतनी ज्यादा खराब हो रखा है मेरे रिलेशनशिप की, हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो हमको साफ पता चल रहा है मंगल खराब है, मंगल बद है, कुछ ना कुछ मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी। अब एक जातक बोलता है कि मेरा मंगल तो ठीक है, मंगल तो मेरा ठीक है, यानी कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो बोलेंगे कि सर मेरा भाइयों से तो ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी नहीं है, मुझे कोई ऐसा सच मेरे कॉन्फिडेंस को लेके भी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, और आई एम अ वेरी आउटगोइंग पर्सन, मुझे खून की कमी है। ओके ओके, आप तो बोल रहे थे ना, तो मुझे मैं वही देख रही थी कि मेरे भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है, और मुझे और कोई हाँ मेरी शादी में दिक्कत आ रही है, वो पता नहीं क्यों, बट मेरा खून कम है, अगर आप मार्स का पूछ रहे थे ना जी, और जी, मेरे फादर के साथ ही रिश्ता बहुत अच्छा था जब तक वो थे, तब तक तो जी 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 अभी अच्छा ही था, तो ये okay. मतलब खून का कमी है मेरे में, okay. ये आप देख सकते हैं, और okay. शादी के लिए बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने मेरे को वही बोला था कि जैसे मार्स जुपिटर के साथ है तो वो काफी हद तक कैंसिल हो गया है, तो मांगलिक नहीं बोला गया था मुझे कभी भी ऐसे, मतलब हल्का मंगल बोलते हैं। अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि मंगल के लिए जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड में हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी या हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि कहीं मैं एनीमिया को मेरा सॉरी 6 और 7 के बीच में ही खून रहता है हमेशा, तो शायद ब्लड की डेफिशिएंसी है। जी जी ओके ओके। अब एक कॉम्बिनेशन जैसे है कि इन्होंने पूछा कि यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति में जो प्लैनेट छुपे रहते हैं वो छुपा रहता है सूर्य और शुक्र। अब हमको पता है कि सूर्य और शुक्र छुपे रहते हैं, अब देखिए थोड़ा एडवांस है तो ऑब्वियसली हम आने वाली क्लासेस में तो मौसमी प्लैनेट का मैं पूरा एक क्लास करनी ही करनी है, ठीक है, तो फिर भी क्योंकि मुझे थोड़ा आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर वहां पे बृहस्पति है तो बृहस्पति में कौन छुपा रहता है, सूर्य और वीनस। तो सूर्य पहले घर में तो ठीक है, मगर पहले घर में शुक्र का होना वहां पे, क्योंकि एनर्जी छुपी है तो शुक्र वहां पे ठीक नहीं है, शुक्र को कहीं ना कहीं हमें शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी पहले घर में, वहां से हमें कहीं कैसे ना कैसे करके हमें वहां पे शुक्र को कहीं ना कहीं वहां से आजाद करना है या निकालना है, कैसे ना कैसे शुक्र की रेमेडी करनी है हमें वहां पे, क्योंकि शुक्र क्या है, स्पाउस है, शुक्र क्या है, स्पाउस है ना, तो मतलब कि और शुक्र लग्जरी, मतलब हमारी लग्जरी भी है ओवरऑल हमारी लाइफ में, ठीक है, और मेल मेल जो जातक हैं उनके लिए शुक्र स्पर्म है, ठीक है, तो ऐसे शुक्र को समझा जा सकता है मेल फीमेल चार्ट में, क्वेश्चन आंसर करके समझा जा सकता है कि जातक के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसिकली हमको वहां पे शुक्र की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, मंगल की भी करनी पड़ेगी, जब हम पेंडिंग कर्मा करेंगे तो हमको सब पता चलेगा कि किस घर में किस घर की कौन सी रेमेडी आ रही है, क्योंकि जब वो हम करेंगे उसमें रेमेडी, हम रेमेडियल जब सेक्शन में आएंगे हर प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा के लिए, तो हमको पता चलेगा अच्छा ये प्लैनेट की हमको रेमेडी करनी है और इस प्लैनेट। जी हाँ सर, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस से सूर्य और मंगल का पता चला, पर शुक्र का क्यों सर? अच्छा, मस्नुई प्लान, मस्नुई में क्या होता है कि आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो मैंने बोला था कि मैं बहुत मतलब एक्सप्लेन करूंगा मस्नुई वाली क्लास में, जिसमें बताया था कि बृहस्पति अगर 10वें हो, तो मैंने बोला था कि अगर बृहस्पति 10वें घर में होगा, ठीक है,